एवरीवन, आई एम मोनामी एंड वेलकम बैक। फोल्डेबल आइटम्स किचन में कहीं भी कम स्पेस में रख सकते हैं। सो मैंने ये फोल्डेबल वॉश टब आइकिया से लिया है। इसमें वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करने में इजी होगा। इसमें हैंकर के रखने का भी ऑप्शन है। स्मार्ट एक्सेसरीज किचन का काम इजी और किचन वर्कटॉप नीट एंड टाइडी रखने में हमें हेल्प करते हैं। मेरा नेक्स्ट किचन आइटम है ये डिश ड्राइंग मैट। ये मैट की सबसे अच्छी बात है, इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। ग्लासवेयर क्रॉकरी आइटम्स ढोके रखना, इवन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ढोके रखने के लिए इसमें बहुत इजी होता है। ये मैट क्विकली वाटर सोक कर लेता है। कुकिंग के बाद हॉट पॉट, कढ़ाई, कुकर ये सब रखने के लिए ये स्टेनलेस स्टील का पॉट स्टैंड मेरे किचन के लिए परफेक्ट है। ये प्लास्टिक फिट्स के वजह से किचन सरफेस में स्क्रैच नहीं आएगा। नेचुरल कॉर्क से बना हुआ ये कोस्टर्स एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर लेता है, साथ में ही ये सरफेस में स्क्रैचेस नहीं आने देता है। स्पेशली मेरे घर में जब गेस्ट आते हैं तब इन सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर शेकर का बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं कुकिंग में बहुत ही कम सॉल्ट यूज़ करती हूँ। सो मेरे डाइनिंग टेबल के लिए ये परफेक्ट है। हाफ कट किया हुआ वेजिटेबल हो या फ्रूट, इनको फ्रेश रखने के लिए ये रीयूजेबल सिलिकॉन फूड कवर से बहुत ही हेल्प होता है। सबके किचन में वेजिटेबल चीज ग्रेट करने के लिए ग्रेटर यूज होता ही है। ये ग्रेटर का डिजाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसको चॉपिंग बोर्ड नहीं तो रेक्टेंगल शेप का कंटेनर के ऊपर रख के इजीली वेजिटेबल चीज ग्रेट कर सकते हैं। किचन के लिए कंटेनर्स या जार्स एयरटाइट होना बहुत ही जरूरी है। इन जार्स में एरोमाटाइट रबर गैस्केट है, जिससे इन जार्स में फूड बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा। इन जार्स में पिकल कुकीज भी रख सकते हैं। इसका लीड भी इजीली ओपन एंड क्लोज हो जाता है। किचन कैबिनेट में जब हम कुकवेयर या कटलरी आइटम्स रखते हैं या उनको बाहर निकालते हैं तब सेल्फ्स में स्क्रैचेस आ जाती हैं, बट ये मैट इसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। इसको इजीली कट कर सकते हैं और कैबिनेट्स के अंदर इसको प्लेस करके इसके ऊपर कुकवेयर कंटेनर्स रख सकते हैं। डेली यूज होने वाले स्पाइसेस को रखने के लिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट ग्लास स्पाइस जार्स लिया है। ये ट्रांसपेरेंट होने के कारण इजीली एक्सेसिबल है, क्विकली पता चल जाएगा कि इसमें क्या रखा है, जिससे मेरे कुकिंग के टाइम इजी होगा। ये बास्केट क्विकली एंड इजीली कहीं पे भी लगा सकते हैं। इसके सक्शन कप के वजह से घर के वॉल में ड्रिल किए बिना इसको लगा सकते हैं। मैंने इस बास्केट को किचन सिंक के पास लगाया है, बाथरूम में भी इसको लगा सकते हैं। इसके नीचे होल्स भी है और एक अच्छी बात है कि इस सक्शन कप से बास्केट को निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। किचन क्लीनिंग के लिए मैं घर के पुराने क्लॉथ्स ही यूज़ करती हूँ, बट इस बार आइकिया से मैंने ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स लिया है। ये सॉफ्ट एंड एब्जॉर्बेंट है। गार्लिक का फ्लेवर और एरोमा एक डिश का टेस्ट ही चेंज कर देता है, इसलिए मेरे किचन में गार्लिक बहुत यूज होता है। स्टेनलेस स्टील का ये गार्लिक प्रेस मेरे किचन के लिए एक परफेक्ट टूल है। इसको यूज और क्लीन करना सुपर इजी है।
ये स्मॉल साइज का स्टीमर मेरे किचन में वेजिटेबल्स और अलग अलग टाइप के फूड स्टीम करने के लिए मैंने लिया है। इसका साइज स्मॉल होने के कारण इसको बहुत कम स्पेस में कहीं भी रख सकते हैं। फूड जब हम स्टीमर में कुक करते हैं तब फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा मेंटेन होता है। मिल्क फ्रॉथर एक ऐसी किचन टूल है जिसको यूज़ करके मिल्क को थिक और सिल्की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें डबल ए बैटरी यूज़ करना है। बैटरी यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी है। इसका कवर खोल के अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करना है, फिर थोड़ा बाहर निकाल लेना है। इसके बाद फर्स्ट बैटरी का पॉजिटिव साइड ऊपर करके लगाना है, नेक्स्ट बैटरी का निगेटिव साइड ऊपर करके लगा लेना है। बस बैटरी को थोड़ा सा प्रेस करके कवर लगा लेना है। ट्वेल्व पीस का ये स्टेनलेस स्टील का कटलरी सेट मुझे काफ़ी रीजनेबल लगा। ये कटलरी सेट काफ़ी ठीक होने के कारण ये ड्यूरेबल भी है और ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ये छोटू सा कटलरी सेट ग्रिप फ्रेंडली, कलरफुल और परफेक्ट है किड्स के लिए। ये कटलरी सेट डिशवाशर सेफ भी है। ये बाउल एंड कप सेट किड्स के लिए परफेक्ट है। इसका कलर भी काफ़ी प्यारा सा है। इनके अंदर का मटेरियल स्टेनलेस स्टील और बाहर का प्लास्टिक BPA फ्री है। बाउल के साथ एक सक्शन मैन भी है। कॉफ़ी हो या चाय, इनको वार्म रखने के लिए ये हीट इंसुलेशन सिलिकॉन लीड बहुत ही काम आते हैं। ये लीड्स स्मॉल बाउल में भी फिट होता है। डाइनिंग टेबल को वाटर मार्क्स, फूड स्टेन्स और हीट डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्लेसमेंट्स परफेक्ट है। देखने में ये अच्छा तो है ही, साथ में इनका साइज भी काफी बड़ा है। आज का ये IKEA किचन आइटम्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सारे आइटम्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। सो आज के लिए बाय बाय एंड सी यू।